जेमस्टोन पहनने के क्या नियम हो सकते हैं? लोग पूछते हैं कि रुद्राक्ष के नियम के बारे में बताइए, लेकिन जेमस्टोन के कुछ नियम होते हैं क्या? शायद कुछ नियम हैं जो आपकी जानकारी में नहीं हो सकता है, हो सकता है आप जानते हो, अब नहीं जानते हैं तो जरूर देखिएगा वीडियो अंत तक। देखिए जो जेमस्टोन्स होते हैं, कुछ जेमस्टोन्स को हाथों में पहनाया जाता है और केवल हाथ में ही पहनना चाहिए। कुछ जेमस्टोन्स जो है उसको आप हार्ट के पास या गले के पास चेन के रूप में ही पहन सकते हैं। कौन सा जेमस्टोन कहाँ पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्या रूल्स हैं उसको रखरखाव करने के लिए, इस संबंध में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं विंग कमांडर संतोष शर्मा, एस्ट्रोलॉजर हूं, रुद्राक्ष जेमस्टोन के एडवाइजर भी हूं और आपका दोस्त भी हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने विगत वीडियो में चर्चा की थी कि जेमस्टोन कितने कैरेट का पहनना चाहिए, यदि आपने देखा नहीं होगा तो जरूर देखिएगा। रत्ती, कैरेट, ग्राम, इसका संबंध, कितना कैरेट का पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में उस वीडियो विवरण है, आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि जेमस्टोन्स के नियम क्या होते हैं। देखिए नियम बनाए क्यों जाते हैं, रोड में चलने का नियम क्यों होता है कि बाएं में चलिएगा, दाएं में मत चलिए, क्यों? इसलिए कि एक्सीडेंट ना हो जाए। जीवन में नियम होते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना। तो नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि जिस चीज का हम उपयोग कर रहे हैं उसका पूरा फल हमको मिले। यदि नियम कानून नहीं मानेंगे तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। मानिए कि पुखराज स्टोन, येलो सफेद की बात करता हूं, इसको पहनना चाहिए, इस उंगली में पहनना चाहिए, ये एक बार इंडेक्स फिंगर है, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, पहनना चाहिए। आप उसको पहन लेंगे, इस उंगली में पहन लेंगे, तो ये काम करने वाला नहीं है। क्यों? ये है पुखराज का उंगली, जो पंच तत्व शरीर होता है। ये पंच तत्व शरीर में देखिए, ये है आपका जल तत्व, ये है आपका पृथ्वी तत्व, ये है आपका आकाश तत्व, ये है वायु तत्व और ये है अग्नि तत्व। अब टीका लगाते हैं ना, अग्नि, थर्ड आई में यहां टीका से लगाते हैं, ये है आपका अग्नि तत्व। इससे आप जो रोली होती है या सिंदूर होता है, इसका इस प्रकार से इससे उंगली से ऐसे लगाते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका करते हैं, ये करके ऐसे लगाते हैं, फिर इसको इस प्रकार लगा लेते हैं। इसके पीछे कारण ये है, ये आपका है पृथ्वी तत्व, ये है अग्नि तत्व, पृथ्वी और अग्नि, इसको जोड़ा जाता है इस प्रकार से और आप पहनते हैं, तो इसके पीछे कारण है। तो ये जो आपका उंगली है, ये आपका है वायु तत्व। वायु तत्व कहाँ है? ये आपके हार्ट के पास, ये जो आपका हार्ट चक्र है उसका ठीक नीचे मणिपुरा चक्र में बृहस्पति का स्थान होता है। तो ये हो गया तत्वों के हिसाब से इस उंगली का संबंध। इसमें आप यदि पहनते हैं तो वायु तत्व का मतलब है कि विस्तार, विचार, नॉलेज, ज्ञान, एक्सपेंशन, ये है बृहस्पति। तो इसमें पहनेंगे तो आपको फलदायी होगा, ये नियम हो गया। किसके लिए नियम हो गया? ये पुखराज के नियम होंगे। नीलम के नियम क्या होंगे और हीरे का नियम क्या होंगे? हीरा और नीलम, डायमंड और नीलम, हीरा हो गया, हीरा और व्हाइट सफेद भी उसको जोड़ लीजिए आप, तो डायमंड और व्हाइट सफेद, सफेद पुखराज और ब्लू सफेद या नीलम, ये दोनों स्टोन जो हैं ये शुक्र और शनि के स्टोन हैं। शुक्र और शनि दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं। तो इसको कहाँ पहनेंगे आप? ये सुंगली, मिडिल फिंगर में पहनेंगे, तभी ये फलदायी होगा। उसी प्रकार से ही ये जो आपका उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये पृथ्वी तत्व की है, इसमें आप माणिक्य रूबी पहन सकते हैं, ये रूबी का रोल आ गया। ये जो उंगली है राइट हैंड का स्मॉल फिंगर है, यहां आप पहन सकते हैं मोती, जो कि चंद्रमा के लिए पर्ल है, तो ये पर्ल के नियम में ये लागू हो गया। कुछ लोगों मैंने इसमें भी डायमंड को पहने हुए देखा हुआ है, कुछ नेताओं को देखा है, एक नेताजी होते थे अमर सिंह करके, वो भी इसमें पहनते थे। इसके बारे में मैं कुछ कॉमेंट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं इतना समझता हूँ, इन चीजों को समझता हूँ, यहाँ क्यों पहना जाता है मुझे जानकारी नहीं है, आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नियम नंबर दो कि यदि एनर्जी को आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे शनि की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो नीलम को इसमें राइट हैंड में धारण करेंगे, और जो एनर्जी को आप कम करना चाहते हैं, चाहे बृहस्पति का हो, सूर्य का हो, जो भी है, उसको उल्टे हाथ में पहनिए, बाएं हाथ में पहन लीजिएगा, तो ये ब्रेक का काम करता है, ये एक्सीलेटर काम करता है। अब गाड़ी में देखें ब्रेक एक्सीलेटर इस प्रकार से काम करते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर टू। रूल नंबर थ्री क्या है? कहते हैं कि भी
पन्ना एक बड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मैं कुछ अलग ही बोलता हूँ इसके बारे में। मैं हरदम बोलता हूँ कि पन्ना को लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर में पहनिए और मोती को राइट हैंड में पहनिए। उसके पीछे कारण ही बताया था संक्षेप में आपको कि राइट हैंड जो कंट्रोल होता है लेफ्ट ब्रेन से, लेफ्ट ब्रेन आपका है कॉन्शियस माइंड, राइट ब्रेन है सबकॉन्शियस माइंड जो कि लेफ्ट साइड को बॉडी का कंट्रोल करता है। यदि आपको राइट साइड में कुछ पैरल कुछ हो स्ट्रोक हो जाएगा तो लेफ्ट साइड राइट ब्रेन में यदि स्ट्रोक होगा तो लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाता है। लेफ्ट ब्रेन में कुछ होगा आपको तो राइट साइड पैरालाइज हो जाता है, आप इसको जानते हैं। तो लेफ्ट हैंड में यदि पहनते हैं तो ये राइट ब्रेन से कनेक्शन होता है। मैं ये कहता हूं कि जो बुध ग्रह है, बुद्धि है, इंट्यूशन की बातें करते हैं, जो इंट्यूशन जो है ये लॉजिक नहीं है। ऐसे जो सोच आता है उसके पीछे का लॉजिक सोच नहीं होता है, बता ये काम अच्छा है, अच्छा ये को करना चाहिए, यहाँ पैसा लगाना चाहिए, ये जमीन में खरीद लेना चाहिए, ये जो निर्णय हम लेते हैं इसे बहुत कुछ सोच विचार नहीं होता है, ये इंट्यूटिव होता है। एक अंतर्निहित ज्ञान की बातें हैं ये, कि अंतर्मन मेरा मन कह रहा है, ये मन क्या कहता है, कहाँ से कहता है मन, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का थिंकिंग है जो कि आपके जन्म जन्मांतर की आप जितने लाइफ के एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं ये सभी उसमें स्टोर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में। तो इस प्रकार से वहाँ का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको यूटिलाइज हम तुरंत कर लेते हैं, तो ये इंट्यूटिव कहता है। तो बुध ग्रह को मैं जोड़ता हूँ इंट्यूशन से जोड़ता हूँ। डीप लर्निंग जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है ये कैसे कहाँ होता है, सबकॉन्शियस माइंड में होता है क्या? नहीं, कॉन्शियस माइंड तो आपको 3 से 4 सेकंड याद करना मुश्किल है। अगर वहाँ से ओटीपी आता है, 6-डिजिट ओटीपी आता है, आपने अमेजन से कुछ खरीद रहे हैं, पेमेंट करना है बैंक से, तो यदि एक 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 ओटीपी आ गया 102693, उसको आप 3-4 सेकंड बाद दोबारा टाइप करने की कोशिश करते हैं तो भूल जाते हैं आप। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माइंड 6-6 डिजिट का को याद नहीं कर पाता है। 2 डिजिट 3 डिजिट्स मैक्सिमम 4 डिजिट्स, 6-7-8 डिजिट हो जाएगा तो कॉन्शियस माइंड आपको 4 सेकंड के बाद याद ही नहीं होता, भूल जाता है। तो कॉन्शियस माइंड की तो ये तो शक्ति है। तो जब ये सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है डाटा, तो फिर ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बुध ग्रह का अच्छा होना जरूरी है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की बातें मैं कर रहा हूँ, इसलिए लेफ्ट हैंड में पहनने की बातें करता हूँ। यदि बुध ग्रह आपका खराब है, आपने ये एमराल्ड स्टोन पन्ना खरीद लिया है, तो उसको आप राइट में पहन लीजिए। यदि आपको दोनों पहनना है, मोती और पन्ना पहनेंगे, तो कुछ लोग दाहिने हाथ में जो पहनते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहूंगा मैं कि भाई क्या करेंगे, मोती को भी यहाँ पहनेंगे, पन्ना को भी यहाँ पहनेंगे? नहीं। तो ये रूल होगा आपका एमराल्ड के लिए। रूल नंबर 4 रूल नंबर मैं बताता हूँ आपको क्या होगा, कि जैसे आप पन्ना की ही बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। पन्ना का सोन ऐसा सोन है, एमराल्ड की बात कर रहा हूँ, कि गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा हीट है, जैसे आप बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, जहाँ की बहुत गर्मी पड़ती है, कई जगह तो 45 डिग्री 50 डिग्री, राजस्थान में डेजर्ट में 52-53 चला जाता है, या विदेश कहीं गए हुए हैं जहाँ की बहुत गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है कि जो पन्ना है ये क्रैक हो जाता है, मतलब मॉइस्चर से प्रभावित होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है बेरिल, जो मिनरल्स हैं बेरिल होता है, तो ये केमिकल जो है ये रिएक्शन होता है, मॉइस्चर यदि कमी हो जाएगी तो ये क्रैक हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, कभी कभार थोड़ा सा ऑयल या मॉइस्चराइजर वगैरह एमराल्ड में लगाते रहना चाहिए, एज ए प्रिकॉशन, आदत डाल लीजिए, सिर में तेल लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, थोड़ा सा क्रीम लगा लीजिए। रुद्राक्ष से मना होता है कि मैं पाउडर वाउडर ये सब चीजें को मत छिड़कें, मत ना करें। जेमस्टोन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि कुछ पाउडर लग गया, ऐसा कुछ स्प्रे हो गया तो हो गया, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर ये है कि जितने भी जेमस्टोन होते हैं ये क्योंकि धरती के अंदर पाए जाते हैं, नेचुरल होते हैं, तो ये नेगेटिव आयन्स को रिलीज करते रहते हैं। इसमें जो मिनरल्स होते हैं, जैसे मानिए कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका होता है पुखराज में, नीलम में आपका होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम और आयरन, तो यदि बाहर की जो केमिकल्स हो, एसिड हो या कोई हार्श डिटर्जेंट हो, जैसे बर्तन धोने का डिटर्जेंट आते हैं हार्श हो, और अंगूठी पहन के आप काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगा, इसमें इट विल रिएक्ट, क्योंकि बाहर की केमिकल से ये रिएक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी देखा नीलम जो है वो धीरे धीरे सफेद हो गया, या पुखरा जो पहने हुए थे पहले येलो कलर का था वो व्हाइट की तरफ चले जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब आर्टिफिशियल स्टोन खरीदते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने और एक स्टोन खरीदा, सस्ता खरीदा, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसको,
सस्ता जो आप स्टोन खरीदे हुए हैं तो लेबोरेटरी बना हुआ है, आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, उसको कुछ होने वाला नहीं है, वो नेचुरल है ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। जैसे एक नेचुरल रोज है, गुलाब का फूल है और प्लास्टिक का फूल है, अब प्लास्टिक का फूल को आप धूप में रखेंगे तो कुमलेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, या कुछ स्प्रे कर देंगे उसके ऊपर में तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो गुलाब प्राकृतिक ढंग से बनाई गई है, ईश्वर ने बनाई हुई है, प्रकृति ने बनाई हुई है, उसको यदि आप हार्श वेदर में डाल देंगे, उसको यदि आप धूप में रख देंगे तो रिएक्शन होने वाला है। तो ऐसा होता है, तो इसको केमिकल से बचाना है, हार्श चीजों से बचाना है। ये जो वेदर के बारे में पढ़ना के बारे में बताया मैंने, उस प्रकार भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आपके चार्ट में ग्रह खराब है, उसके संबंधित जेमस्टोन को धारण ना करें, ये मतलब छठा अवतार बता रहा हूं, सिक्स्थ रूल। बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छे नहीं है तो आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। ये देखिए, ये मैं बहुत अलग बात कर रहा हूं, बाकी जो लोग कहते हैं कि पुखराज पहन लीजिए, यदि आपका कुंडली में ये बृहस्पति आपका अच्छा नहीं हो तो आप पुखराज पहन लीजिए, शनि अच्छा नहीं हो तो नीलम पहन लीजिए कहेंगे, शुक्र अच्छा नहीं हो तो आप डायमंड पहन लीजिए, व्हाइट सफेद। मैं कहता हूं कि मत पहनो, मैं कहता हूं इसके बजाय आप रुद्राक्ष पहनो, क्योंकि जो एनर्जी नेगेटिव है उसको क्यों बढ़ाना है, जेमस्टोन तो बूस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे पावर को, इसलिए उसको बढ़ाना नहीं है। तो ये है आपका सिक्स रूल। सेवेंथ रूल ये है कि जेमस्टोन पहन के क्या हम टॉयलेट जाएं, लेफ्ट में आप पहन बोलते हैं पन्ना पहन लो, टॉयलेट जाएंगे तो गंदा हो जाएगा। देखिए, गंदा तो हाथ होता ही है, यदि आप पक्के इंडियन हैं, आप वेस्टर्न में तो रहते नहीं कि आप फ्लशर यूज करते हैं, तो साफ आप करने के लिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप धोते हैं ना हाथ को, तो उंगलियों काट कर नहीं फेंक देते हैं आप, तो आप ठीक से साफ कर लीजिए, धो लीजिए, यदि चाहते हैं तो अंगूठे को उतार दीजिए उस समय, फिर पहन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया आपका रूल नंबर सेवन। तो जेमस्टोन के लिए और क्या क्या नियम हो सकते हैं? रूल नंबर आठ, ध्यान दीजिए कि जो जेमस्टोन आप पहन रहे हैं ये नेचुरल होना चाहिए, अनहीटेड अनट्रीटेड होना चाहिए, ये रूल नंबर आठ। यदि हीटेड ट्रीटेड हो गया, जो कि आर्टिफिशियली जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, हीटेड ट्रीटेड होने से ये बन गया आर्टिफिशियल और स्पेशल नीलम, नीलम तो कभी मत पहनिएगा जो हीटेड हो, क्योंकि हीट आ गया तो उसमें सूर्य का अंश आ गया, सूर्य और शनि अगेंस्ट कॉन्ट्राफोर्स होते हैं, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ये पहनने से। इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हैं कि भाई और, या बताना चाहते हैं कि आपको लगता है कि और कुछ रूल है इसमें एप्लीकेबल हो सकता है, या कुछ सवाल है जेमस्टोन के बारे में, और क्या रूल है, कुछ आपको डाउट है कि भाई ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कितना देर पहनना चाहिए, उतारना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बार बार उतार सकता हूं क्या, आदत मत डालिए, खो जाता है, जितना हो सके उसको हरदम पहनिए। हाँ, टॉयलेट जाते समय उतारना चाहते हैं उतार दीजिए, कई बार उन्होंने देखा हुआ कि लोग ट्रेन में टॉयलेट में जाते हैं, वहां उतार के चल पड़ते हैं, वहीं छूट जाता है, भूल जाते हैं लोग, कुछ लोग खेलने की आदत खेलते रहते हैं ऐसे, फिर वो कहीं गुम जाती है। तो कुछ लोग बहुत लूज पहनते हैं, थोड़ा सा टाइट पहनना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप बनाना चाहिए यहाँ, ये है। एक चलते चलते और एक रूल बता दूं आपको मैं, कि कहते हैं कि भाई जेमस्टोन के नीचे जो है खुला होना चाहिए क्या, मैंने विगत वीडियो में चर्चा में ये बताया था कि खुला होना जरूरी नहीं है, कलर थेरेपी में यदि आप कोई कलर फला स्टोन पहन रहे हैं तो उसमें जरूरी है कि खुला हो, लेकिन आप जेमस्टोन असली पहन नेचुरल पहन रहे हैं तो खुला होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदतन आप देखेंगे सभी लोग जो सुनार बनाते हैं, गोल्डस्मिथ बनाते हैं, सभी ऐसे बनाते हैं कि उसमें नीचे खुला होता है, कोई हानि की बात नहीं है। यदि खुला हुआ नहीं भी है तो कोई जरूरी नहीं है। टच होना जरूरी है क्या, रूल क्या कहता है? नहीं, टच होना जरूरी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आयंस को रिलीज कर रहा है। और एक चीज बताना मैं भूल गया, रूल नंबर टेन बोल सकते हैं कि भाई कोई स्टोन को, ऐसा कोई स्टोन है जिसको हम गले में पहन सकते हैं क्या? हाँ, आप दो स्टोन गले में जरूर पहन सकते हैं। एक तो है पुखराज, जो कि मणिपुर चक्र के ऊपर में यहाँ पहन सकते हैं, अलोकेट ग्रुप में पहन सकते हैं। दूसरा है आपका एमरल्ड पन्ना, हार्ट चक्र के ऊपर में है, उसको आप पहन सकते हैं। दो बाकी जो स्टोन्स हैं उसको यहाँ धारण करने की कष्ट ना करें, नुकसान हो सकता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप पहनते हैं, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, कुछ भी पहने, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुछ नहीं होता है, कोई हार्म नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव आंस रिलीज नहीं हो रहा है, तो वो तो ऐसे ही बनाया गया है, कांच के बने हुए होते हैं, तो उसके लिए कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लगता है कि आप इस चीज़ें जानने के उत्सुक हैं। और जो हम एक मुहिम शुरू किए हैं, ये मुहिम ये है कि ज्योतिष के बारे में जो अंधविश्वास है उसको दूर किया जाए,
लोगों को डॉगमेटिक या फैटलिस्ट भाग्यवादी बनाने से बचाया जाए। एस्ट्रोलॉजी का जो कुंडली है उसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल करके, ज्ञान आहरण करके अवेयरनेस पैदा किया जाए और जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाए। गलत दर्ज धारणाएं हैं कि भाई जेमस्टोन कहाँ पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष कितना पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लोगों में पैदा हो। तो ये हमारे प्राचीन ज्ञान है रत्न के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में, ज्योतिष के बारे में, जो कि धीरे 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 खत्म होता जा रहा है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से। कहते हैं कि भाई ये इंडियंस भारतीय हैं, कुछ जानते नहीं हैं, ये तो मूर्ख हैं, ये तो रूढ़िवादी हैं, ये तो भाग्यवादी हैं, ये तो अग्रमण्य है। ऐसा नहीं है, ये सब ज्ञान की बातें हैं। हम लोग स्मार्टर हैं, हम कुंडली से जान जाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग कैसा है, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कैसा है, उसको री प्रोग्राम करने के तरीके हमको मालूम है। रुद्राक्ष जेम्स बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन किस विधि से पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कब किसको नहीं पहनना चाहिए, पहनने में क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और डराने की बातें हैं, ये कंटक शनि, अष्टम शनि, शनि एकदम खराब होता है, राहु खराब होता है, मंगल खराब होता है, मांगलिक खराब होते हैं, इस प्रकार के भ्रमजाल से मुक्त करने का एक हमारा मिशन है। मैं चाहता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस मिशन में आप जुड़ें, ना केवल वीडियो को देखें, इसको शेयर करें, लोगों को बताएं इसके बारे में जो आप समझ रहे हैं मुझसे। आप और कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपना नाम लिखिए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपका सवाल क्या है लिखिएगा आप। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम चर्चा करेंगे, आप अपने जुड़ेंगे, हमारा एक ग्रुप बनेगा और लोगों को हम बातें बताएंगे। नहीं बताएंगे तो क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं इन बातों को दक्याम से समझ के इसको भूल जाएंगे। दूसरी बात कि ये जो जालसाजी काफी फैली हुई है, इसके ऊपर नाम से जो लूट होती है, लोगों को जो मूर्ख बनाया जाता है, इससे भी हमको एजुकेट करना है, अपने आप को सतर्क रखना है। तो ये एक प्रकार की मुहिम है, एक मिशन है, इसमें आप जुड़ेंगे तो ये भी धर्म का कार्य ही है। इससे जुड़िए, ज्ञान आहरण कीजिए, ज्ञान को वितरण कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को शेयर कीजिए, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मित्रों को बताइए वो भी सब्सक्राइब करें और इसको और फैलाया जाए। तो फैलाने के बाद में हमारा जो एक बड़ा समूह बनेगा, इसके ऊपर में लोगों को जानकारी होगी और अगली पीढ़ी को हम गाइड कर सकते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी मित्रों को समझा सकते हैं, उनको जो कुछ लोग जालसाजी लोग हैं, जो ठग लोग हैं, जो कि आपको मूर्ख बना लेते हैं, ये कर दो वो कर दो, ये चीज़ें करके जिस प्रकार से आपको मूर्ख बनाते हैं, उससे आप बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये कहना कि अंधविश्वास है, झूठ है, बकवास है, ये जो भारतीय जो हमारे ज्ञान है इसमें कोई दम ही नहीं है, कोई वेस्टर्न एजुकेशन में सब कुछ दम है और उनका एस्ट्रोलॉजी सब कुछ काम करता है, उनका जो न्यूमरोलॉजी की बातें भी हम करते हैं। हमारा अंक ज्योतिष इतना डीप है, उससे बहुत ज़्यादा गहरा है, हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है मून बेस्ड है, मन के बेस्ड है, शरीर बेस्ड नहीं है। तो ये बहुत गहरा ज्ञान है और इसको गहरी पानी पैट तो मोती मिलेगा, है ना। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके उसको शेयर जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में और एक नया टॉपिक लेके हम आपके सामने मैं आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, विंग कमांडर संतोष शर्मा बैंगलोर इंडिया से, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।